हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारे मैंगलोर में फोर्थ डे। तो वहाँ पे अभी दुल्हन वहाँ पे थी, दूल्हे को भी वहाँ छोड़ के आए थे। दूल्हा सुबह में आ गया है, तो अभी पूरे घर वालों की दावत है, तो हम लोग रेडी होके अभी वहाँ पर जाएंगे और दुल्हन को वापस रिटर्न लेके आएंगे। क्योंकि तो आज हम लोग को दुल्हन को लेने के लिए जाएंगे घर पे। तो आज फिर शादी का सब चीज खत्म हो जाएगा। आज ये लास्ट फंक्शन है शादी का। पांच दिन चला जब से हम लोग आए। दो दिन हल्दी, शादी, फिर वलीमा, फिर अभी ये जो वापिस है। यहाँ पे ये जो रस्म है उसको चमाना बोलते। चमाना बेसिकली मीन्स दावत, वलीमा वलीमे वाली दावत, चमाना चमाना। तो अभी हम लोग जाएंगे सब पूरी फैमिली तैयार होके और फिर दुल्हन को वापस से लेकर आएंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पे शादी का फिर फंक्शन खत्म हो जाएगा जैसे दुल्हन आ जाएगी। दुल्हा को छोड़ने गए थे क्योंकि दूल्हा मायके में एक रात रुकता है आफ्टर शादी, वली माँ की रात में। तो अपने सब जेंट्स, सब जेंट्स लोग उसको छोड़ने जाते हैं वहाँ पे, और उसके साथ में दो लोग और रुके थे जाके सुबह लेकर आ पाए उसको गाड़ी में। तो ऐसा यहाँ का रस्म है। और अभी लेकिन एक चीज है कि हम लोग जब व्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे तो ज्यादा बोल नहीं पा रहे क्योंकि सब लोग रहते हैं, तो सबके सामने से मुंह पे नहीं बोलने का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब बैकग्राउंड में इतना आवाज रहता है ना कि हम लोग कुछ बोलकर भी कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे लोग का चिल्ला पुकार, सब लोग एक साथ यहाँ पे रूम में रह रहे हैं। तो फिर भी जितना हो सके उतना वॉइस ओवर करके हम लोग डालना। क्योंकि अभी फोन मेरे पास रह रहा नहीं है, मैं और तेरिक अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। एक्चुअली तो तेरिक को ही एडिट करना है सब चीज, तो इस वजह से वीडियोस भी लेट आ रही है। वरना हम दोनों ऐसा हो रहा है कि शूट कर रहे हैं लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे इतना बिजी रहते, दिन भर फंक्शन और रात में थक के सो जाते। तो देखेंगे टाइम निकाल के एडिट करेंगे, देखेंगे नहीं। एक दिन के इंटरवल पे तो डालना ही है। बाकी अगर एक बार हम लोग मुंबई पहुंच गए तो जो भी रहेगा फिर उसको हम लोग कंटिन्यू रोज के रोज डालना फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिए, आज देखते हैं क्या होता है। आज वही होएगा, आज खत्म हो जाएगा वो। हाँ। है ना तेरिक इज हेल्पिंग। दिख रहा है। हेलो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी। बेचारा फोटो के लिए खड़ा था तेरिक। ये हम लोग का भाई हमारा, जो आपने इंस्टाग्राम पे फोटो देखे उसने लिया है। अपना इंस्टाग्राम आईडी बोल दो। नहीं इसका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। अभी हम लोग निकल गए हैं सब लोग बस में, पूरी फैमिली बस में है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दुल्हन के घर पर। चलते इशरत, चल मामा। अपने मम्मी को देख इतनी खुश होती है। तो हम लोग पहुंच गए लड़की वालों का घर पर। ये घर नहीं है, ये देखो ये आ गई है दावत में खाना खाने के लिए। सब लोग को लेके आ गई है। मैं लेकर आई। हाँ ये एक आतंकवादी भी आ गई है। अच्छा सुना है यासीन, उसका मोनू चलो। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से खाकर, अब जा रहे हैं चाची के यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकलेंगे कार में, चाची के इधर पे रहेंगे एक रात। देखो लोग ये वाले झाड़ से फल चोरी करके लेकर आ रहे। बताओ घर पे खाना क्या है ये? जो भी लोग खट्टा हुआ चक्कर मारते हैं। खट्टा मीठा है ना,
क्या ये भाभी का अम्मी की चाची अम्मी के चाची के घर पे तो वो कार में इतना भर के इतने सारे लोग हाय गाइस वेलकम टू बैक टू अनदर न्यू व्लॉग क्या हुआ बोलती कान में चिल्ला रही हाय गाइस ओ बटला क्या बोलता वालू कार के अंदर गरम लग रहा गरम तो तेरे बाप की जान साले गरम लग रहा संभाल संभाल बेटा कपड़ा संभाल गया वो गया लो नीचे की लत हम लोग बीच पे आए तो वीडियो बन रहा है आते ही ये आ गया हमारा शाम का नाश्ता चाची के इधर पे ये देखो ये चाय में बिस्किट डुबो के खा रहे हैं ये हमारी मायरा वो नाश्ता कर रही है चाय में बिस्किट डुबो के चकली बिस्किट जलेबी ये क्या बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं पापा नाना के बहन के वहाँ पे बोल चुके और ये प्रॉपर्टी देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है यहाँ पे आधा ग्राउंड है और आधा पूरा बाग है यहाँ पे कोकोनट का और ये है पपाया का ये भाजी का है शायद से बसाला बसाला का है बसाले का है ये भाजी का है इसके लिए इसको सपोर्ट चाहिए रहता ना उसका है अम्मी और वो जामरुल का है वो अपने इस पे था ना जामरुल जिप उसके बाजू में आम के बाजू में चलें बच्चे को डरा के तब घुस तो ये रहा पपैया का झाड़ तो सामने ही बगीचा है ये रहा पपैया ये रहा छोटा पपैया और ये रहा केला केले का झाड़ अभी तो केला कच्चा है फिर और कौन सा झाड़ है ये रहा नारियल का झाड़ फिर से एक और पपैये का झाड़ ये मोस्टली यहाँ पे नारियल का ही है और एकदम छोटे छोटे है झाड़ नारियल के इजीली निकाल सकते ये है भसाले का झाड़ ये भाजी है खाने के लिए भसाले का झाड़ हाँ ये रहा छुई मुई ये देखो ना पक ये इसको टच करेंगे ना लीव्स बंद हो जाते हैं हाँ भी देखे ये देखो कितना देखो तुम वो पत्ते को टच करेंगे ना देखो देखो बंद हो गए सब ये देखो झाड़े हाँ अरे सिर्फ टच कर अम्मी देखे कितना मस्त देखे इसमें बता ये इसमें फूल लगता है क्या हाँ तो छुई हूँ ये रे और अपने खुल भी जाते फिर लोग ना हाँ बाद में थोड़ी देर के बाद खुल जाते देखो ना अभी यहाँ पे अपन ने टच किए थे सब खुल गए जहाँ जहाँ अपना हाथ टच होगा ना वो लोग देखो बंद हो जाएंगे ये देखो फूल देखो उसका कितना अच्छा फूल है देखो फूल ये पूरा बगीचा है अम्मी यहाँ छुई मुई से खेल रहे पूरा बगीचा है
अभी ये वाले झाड़ के पास जाते हैं। रहा दूसरा, ये है जामरूल, पर अभी बारिश गिरी है तो उसकी वजह से ये अभी बोलते हैं मीठा नहीं है, उसमें पानी लग जाता है तो वो मीठा उसका कम हो जाता है। ये रहा कुआं और ये रहा सादिक का कुआं। चलो